हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन अब तक लड़कियों के मन में क्या कुछ है, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचती है, वो कितना आजाद है, कितना सुरक्षित महसूस करती है वो झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में। बातचीत करेंगे, कई लड़कियां हमारे साथ मौजूद है। देश तो आजाद हो गया है, क्या लगता है आप लोग आजाद हुए हैं? मुझे तो लगता है नहीं, क्योंकि अभी भी घर से निकलने में डर लगता है। जैसे आप देखते हो रोज न्यूज चैनल, बहुत सारे केसेस दिखते हैं और सिर्फ लड़कियों के बारे में, लड़कियों को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, लड़कों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? तो अभी तक मुझे तो नहीं लगता कि देश आज़ाद हुआ है, लड़कियों और लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं, उन्हें अभी भी रोक टोक किया जाता है बहुत सारी चीज़ों में। तो आपको क्या लगता है, सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए या फिर ठोस योजना बनानी चाहिए ताकि लड़कियाँ सुरक्षित महसूस करें? हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो केस निकलता है तो एक केस मतलब एक मुजरिम को केस देने में सालों लग जाते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर अगर जानते हो कि किसी लड़की को उसी आदमी ने मारा, तुरंत उसको मार दो। जब जानते हो तो फिर भी इतना लंबा केस बनाने का क्या जरूरत है? मतलब स्वतंत्रता दिवस में लड़कियां स्वतंत्र नहीं हुई है अब तक, आजाद नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लड़कियां अभी तक आजाद नहीं हुई है? अभी तक बिल्कुल भी आजाद नहीं हुई है। तो ऐसा कुछ आपको लगता है बैरियर है, बाहर जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, ऐसा लगता है कुछ बैरियर है? अगर लड़कियां छोटा ड्रेस पहने या फिर सूट पहने, आप तो देख ही रहे हो न्यूज में, आजकल छोटी बच्ची लोग का भी बहुत कुछ होता है, तो सब बोलते हैं ना कि ड्रेस पहनने से ऐसा वैसा होता, बट ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कों की नीयत ही खराब होता है इसके वजह से। इसलिए सरकार को हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन लड़कियों के मन में यही सवाल है कि आखिर हम लोग कब आजाद होंगे? हाँ, यही सवाल है। आपको लगता है कि लड़कियां आजाद हो गई है? अभी तक तो नहीं, बहुत ज्यादा मतलब लगता है कि लड़कियों को जितना छूट मिलना चाहिए ना, उतना नहीं मिलता है। जैसे घर से भी आप निकलो तो आपको पूछा जाता है कि आप कब आओगे, आपको लेट नाइट आप घूम नहीं सकते, आप कपड़े ऐसे नहीं पहन सकते, आप वैसे नहीं पहन सकते हो, हमेशा इस तरह से क्वेश्चन किया ही जाता है। और हमेशा कुछ भी अगर आप बाहर निकलो, आप सिंगल हो तो आपको हमेशा ये कॉन्शियस रहता है कि आप मतलब घर कैसे जाओगे। अगर आप अकेले हो, लेट हो रहा है तो आपको कोई लेने नहीं आया, तो आप बीच में अगर आपको कोई छेड़ भी रहा है तो आज के लोग हेल्प भी नहीं करते जल्दी, बस सिर्फ देखते हैं और बस देख करके वो बस मोबाइल लेंगे, वीडियो बनाएंगे, ये नहीं कि आप उसको ये करो, हेल्प करो कुछ, इस तरह से तो अभी तक तो होता नहीं है। लड़कियाँ आज़ाद नहीं हुई है अभी तक, मेरे को तो नहीं लगता। तो देखिए, कई लड़कियों से हमने बातचीत की, क्योंकि देश तो आजाद हो गया है, देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है, लेकिन लड़कियां आजाद नहीं हुई है। कई लड़कियों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि आज भी हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें डर सताता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 स्कोप रांची। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाएं वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिपलाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है Complete Solution Institute. यहाँ है Smart Classroom, 1-to-1 Doubt Clearing Session, Ask the Expert, Video Solution और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको Guide, बनेंगे आपके Mentor, Foundation Classes from Class 6 onwards. For your bright future, visit Complete Solution Institute.